हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको एक डिजाइन सिखाने जा रही हूँ। ये डिजाइन आप किसी भी स्वेटर, लेडीज, जेंट्स, बेबी, किसी भी स्वेटर में डाल सकते हो। ये बुनने के बाद बहुत प्यारी लगती है। ये चार फंदों की बुनाई है। पहले फंदा ऐसे निकाल देना है, फिर एक दो तीन फंदे उल्टे बुनने हैं, धागा पीछे करना है और इस फंदे में एक बार और दो बार इस तरीके से घुमाना है और इसको इस तरीके से निकाल देना है और फिर धागा आगे करना है, फिर तीन फंदे उसी तरीके से फिर निकाल देने हैं, फिर तो फिर इस तरीके से एक दो तीन, फिर धागा पीछे, फिर इस तरीके से एक दो तीन, फिर धागा पीछे इस तरीके से निकाल देना है। ये हमारी एक सिलाई बन गई। अब दूसरी सिलाई बैक साइड से, इसको भी इस तरीके से जो फंदा हमने बिनना डबल घुमाया है उसको इसी बिनना नहीं है, ऐसे निकाल देना है और फिर धागा आगे करना है, जो उल्टे बिने हैं उनको पीछे से सीधा बिन देना है, तीन फंदों को। फिर धागा पीछे करना है, जो डबल घुमाया उसको इस तरीके से निकाल देना है, धागा आगे, एक दो तीन फंदे निकालने, फिर धागा पीछे, ये फंदा इस तरीके से निकाल दिया, एक दो तीन, ये बहुत बहुत प्यारी डिजाइन है। फ्रेंड, आपको मेरी बुनाई पसंद आती तो मुझे लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब भी कर देना और बेल आइकन भी दबा देना, जो हम मेरी लेटेस्ट वीडियो बनेंगी वो आप तक पहुंचेंगी। इसलिए जो भी न्यू इस फंदे को यहाँ पे अभी कुछ नहीं करना है, इसको इस तरीके से निकाल देना है, आगे फिर उल्टे को बिनना है। तीसरी सिलाई बिन रही है अभी, इस तरीके से निकाल दिया, फिर धागा आगे किया, फिर इस तीन फंदों को इस तरीके से बिन लिया, फिर धागा पीछे किया, इस फंदे को निकाला, फिर धागा पीछे किया, फिर हमारी चौथी सिलाई बिन रही हूँ बैक साइड से। इस फंदे को इस तरफ से भी ऐसे निकाल देना है, फिर तीन फंदे बिन देने हैं सीधे सीधे, दो तीन, फिर इस फंदे को इस तरीके निकाल दिया, एक दो तीन, फिर धागा आगे किया, इस तरीके से फिर धागा आगे किया, चार सिलाइयों की बिनाई है ये। अब ये एक बिनाई कंप्लीट हो गई है। अब फिर इसी के ऊपर से दूसरी बिनाई शुरू होगी। अब हमें क्या करना है, चार बिनाई बिनने के बाद इस सिलाई को हमें इस तरीके से, अब हमारी ये चार बिनाई के बाद दूसरी बिनाई शुरू हो रही है, इसको फिर बिन के ऐसे डबल घुमा देना है। ये दूसरी बिनाई है, पहली बिनाई ये है। अब इस चार सिलाई बिन ली, अब अगली बिनाई शुरू हो रही है, फिर इसको एक ही बार बिनना है, बस एक बार डबल घुमाना है और फिर सीधे में भी उल्टे में भी इसी तरीके से सीधे सीधे निकालना है। इस तरीके से बिनाई है, बहुत सुंदर बिनने के बाद बहुत सुंदर लगती है। थैंक यू फ्रेंड, मेरी वीडियो पसंद आई इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी किया करो। थैंक यू।